अब ये किसी का मेरे पास वॉलेट आया है, अब लुक एट दिस, थोड़ा सा कैमरे में जूम करें इसको, ऑलराइट, मैं नाम नहीं लूंगा किसका है, लेकिन इस वॉलेट की हालत देखिए, पैसों के घर की हालत देखिए आप, दुर्दशा हो रखी है, दुर्दशा, ये देखिए दुर्दशा, पैसे की दुर्दशा हो रखी है, बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही फैलने की जगह ही नहीं मिल रही, और जो ये वॉलेट का हाल है वो जिंदगी का हाल हो जाता है। कुछ लव लेटर लिख के भी इधर पड़े हुए हैं जिनका यहाँ पे जगह नहीं है, वो लव लेटर कहीं गर्लफ्रेंड के पास होने चाहिए लेकिन यहाँ पे पड़े हैं, क्यों, क्या बिगाड़ा इस पैसे ने, इतना नफरत क्यों इस पैसे से, बहुत ज्यादा नफरत है, तो कमा लो मुझे दे दो, आई एम वेरी हैप्पी, आई लव मनी। आई एम ऑन माई बोर्ड एंड यहाँ पे एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है। देखिए होता क्या है, हमारा ब्रेन है alright? और ये ब्रेन क्या है, पूरा भरा हुआ है। अब जब ये ब्रेन पूरा भरा हुआ है तो क्या इस ब्रेन में कुछ और जा पाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने वो मंक की स्टोरी सुनी होगी जहां पे एक राजा होता है और वो राजा मंक मेडिटेशन करते हैं, राजा वहां चला जाता है और वो कहता है मंक से मिलना है alright? लेकिन उसके डिसाइपल कहते हैं भैया वो तो मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं राजा हूँ यहाँ का, वो गुस्से में अंदर चला जाता है तलवार लेके, कौन है मंक, अरे क्या समझता है मैं राजा हूँ यहाँ का, यहाँ आया हूँ और तुझे समझ में नहीं आता कि यार तू मेरी अगवानी करने के लिए नहीं आया। मंक आराम से मेडिटेशन करते रहे, शांति से बैठे रहे alright? और उन्होंने राजा से पूछा क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी, मैं कोई कुछ नहीं लेता। उन्होंने पानी का ग्लास लिया और उसमें पानी डाले जा रहे हैं और पानी बिल्कुल छलक रहा है, पानी डाले जा रहे हैं, पूरा ग्लास भर चुका है, पानी छलक रहा है। वो राजा कहता है आर यू मैड, अरे सच में तू तो मैड है, आई एम हैप्पी कि मैं तुझसे नहीं मिला अभी तक, और तू तो पागल है भाई। मंक मुस्कुराए, बोले मैं कोई पागल नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप पागल है, क्योंकि मैं आपसे तब तक बात नहीं कर सकता जब तक आप पूरे भरे हुए हैं इस ग्लास में, और पानी तब तक नहीं जा सकता जब तक ये पूरा भरा हुआ है इस ग्लास में, मैं अगर कुछ बात करूं तो तभी जा सकता है जब ये खाली हो, एम्प्टी ग्लास चाहिए दोस्तों, कहते हैं एम्प्टी योर माइंड। दोस्तों एक बहुत अच्छा चीज है, आपको एम्प्टी करना पड़ेगा अपने माइंड को, आपको एम्प्टी करनी पड़ेगी अपनी जगह को, आपको स्पेस बनाना पड़ेगा हर चीज के लिए alright? मैं आपको एक बहुत ही सुंदर टेक्निक बता रहा हूं जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है। इस टेक्निक को कहते हैं क्लेंजिंग। क्या होता है क्लेंजिंग, क्लीन करो, क्लेंजिंग यानी क्लीन करो, किसको क्लीन करो, स्पेस को क्लीन करो alright? स्पेस को क्लीन करो alright? आपकी वार्डरोब को क्लीन करो, आपके ऑफिस को क्लीन करो, आपके घर को क्लीन करो, आपके किचन को क्लीन करो। आप कहोगे नहीं हमारे तो रोज सफाई होती है यार, हमारे तो रोज सफाई होती है। एंड जब सफाई होती है तो हम लोग क्या करेंगे क्लीन, हमारे तो बहुत अच्छा सफाई रहता है, आप आओ तो सही, हमारा घर मंदिर की तरह जगमगाता है। मैं कहता हूँ दोस्तों वेरी गुड, अगर आपका घर मंदिर की तरह जगमगाता है दैट इज ग्रेट, लेकिन क्यों जगमगाता है, क्यों बोला गया है कि रोज घर में झाड़ू लगाइए, क्यों बोला गया है रोज घर में पोछा लगाइए, क्यों बोला गया है कि नल नहीं टपकना चाहिए, क्यों बोला गया है कि झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्यों बोला गया है कि भैया सब चीजें जमा के व्यवस्थित रखो। जितना ऑर्गेनाइज हमारी सारी चीजें रहेगी उतना ज्यादा हमारी ऊर्जा रहेगी। लेकिन यहां पे एक बहुत ही इसी का पार्ट है जिसे बोलते हैं क्लटर क्लियरिंग। अब आप कहोगे ये क्या है, तो क्लेंजिंग की प्रोसेस में ही क्लटर क्लियरिंग आता है। क्या है क्लटर क्लियरिंग, क्लटर क्लियरिंग मतलब कचरा साफ करो। आप अगेन कहोगे मेरा तो कचरा साफ है, दोस्तों यहां पे कचरे का मतलब क्या है, हर वो चीज जो आपके घर में मौजूद है और पिछले कई सालों से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे आज क्लीन करना है ओके? जैसे कि कोई बहुत पुराने पेपर है, अब वो हो सकता है व्यवस्थित पड़े हों लेकिन वो पड़े क्यों है घर के अंदर। हो सकता है कोई पुराने कपड़े हो, वो बिल्कुल जमे जमाए बिल्कुल प्रेस करे हुए पड़े हों लेकिन 20 साल से पड़े हैं, कोई 15 साल से पड़े हैं, कोई 10 साल से पड़े हैं, किसी ने कोई गिफ्ट दिया जो आपके काम का नहीं है और आप पहन भी नहीं रहे हो, किसी और के भी काम नहीं आ रहा। बोले हर वो चीज जो घर में रुकी हुई है, ठहरी हुई है, वो क्या है, क्लटर है। किसी की छत पे कबाड़ पड़ा होगा, किसी के किसी कोने में कबाड़ पड़ा होगा, किसी के स्टोर रूम में कबाड़ पड़ा होगा। बोले वो सारी चीजें जो आपने अपने घर में इकट्ठी कर रखी है उनको निकाल दीजिए फटाफट।
बोले अगर आपने ऐसा सोच रखा है लोहा इकट्ठा कर लेता हूं, दो महीने तीन महीने बाद जब ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तब बेचूंगा, प्लास्टिक इकट्ठा कर लेता हूं चार महीने बाद बेचूंगा, और कई सारी चीजें हैं जो इकट्ठी कर लेता हूं छह महीने बाद बेचूंगा, बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि उससे एनर्जी ब्लॉक हो रही है, आपके घर की एनर्जी ब्लॉक हो रही है। रोड भले कितनी भी हाईवे हो लेकिन एक छोटा पत्थर भी वहां बीच में पड़ा है ना, तो उस छोटे पत्थर से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो छोटा पत्थर किसी न किसी गाड़ी की एनर्जी को ब्लॉक कर सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए आपके घर में छत के ऊपर कहीं पे एक छोटा सा ऐसा कबाड़ का ढेर यहां पड़ा है एक कॉर्नर में, क्लीन इट आज अभी इसी वक्त, इसी वक्त, टेक योर टाइम, क्लीन इट। अगर आपकी कोई ड्रॉवर है और उस ड्रॉवर के अंदर फालतू की चीजें ऊपर नीचे पड़ी है, मेक श्योर दैट यू क्लीन इट। अगर आपके ऑफिस की ड्रॉवर है, मेक श्योर दैट यू क्लीन इट। आपके घर में अगर पुराने कपड़े हैं, तीन साल पुराने, चार साल पुराने, पांच साल पुराने, छह साल पुराने, क्लीन इट, उनको निकाल दीजिए, उनसे मोह मत लगाइए, नहीं कभी तो काम आएगा, कभी तो जरूरत पड़ेगी, अरे किसी को तो दे देंगे, जिसको देना है आज दे दीजिए, क्लीन इट, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो रहा है। और जैसे जैसे एनर्जी ब्लॉक होता जाएगा आपको पता नहीं होगा कब दरिद्रता आ जाएगी। जैसे आपने सुना होगा ना, घर में अगर मकड़ी का जाला लग जाता है तो कहीं ना कहीं दरिद्रता आ जाती है, ऑलराइट, वो नहीं लगना चाहिए। क्यों बोला गया है दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करी जाए, क्योंकि लक्ष्मी पूजा करोगे, घर को सजाओगे, पूरे घर की सफाई करोगे, पूरे घर में दिए जलाओगे, साफ सफाई करोगे, फूलों से सजाओगे, महकाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे, क्यों? ताकि स्पेस क्लीन हो सके। कहते हैं जितनी एनर्जी क्लीन होगी उतना ही ज्यादा आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी। क्योंकि सीधी सी बात है यार, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझे तो यह है, मैं जा रहा हूं केले का छिलका लेके, रोड के लेफ्ट साइड में गंदगी है, रोड के राइट साइड में सफाई है, किधर फेंकूंगा? आप कहोगे गंदगी की साइड में फेंकोगे, क्योंकि सफाई की साइड में कोई नहीं फेंकेगा। कोई भी आदमी कुछ भी ट्रॉफी खा के रैपर भी देखता है तो देखता है डस्टबिन है क्या कहीं कुछ गंदगी, जहां गंदगी है वहीं फेंकेगा। ये यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है, इस यूनिवर्स के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, और आपके घर में कहीं पे भी ब्लॉक्ड एनर्जी है वहां पे वो डाल देगा। दोस्तों पुराने कपड़े निकाल दीजिए, पुराने जूते निकाल दीजिए, पुराने टॉयज निकाल दीजिए, पुराना प्लास्टिक निकाल दीजिए, पुरानी रद्दी निकाल दीजिए, पुरानी ऐसी कोई डायरीज वगैरह है जहां जिसमें आपने कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जिसमें आपने कुछ अच्छा पढ़ा हुआ है, कोई बहुत पुरानी किताबें हैं जो कि सच में बहुत वैल्यूएबल किताबें हैं, उनके निकालने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर उनको रखना है तो एक काम कीजिए, साल में एक बार या दो साल में एक बार उनको निकालिए, उनको पूरा सफाई कीजिए, उनको टच कीजिए, उनको खोलिए इधर उधर और फिर रखिए, ताकि फ्रेश एनर्जी का संचार हो सके। अब मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूं, कितने लोग आप में से पैसा कमाना चाहते हैं? बहुत, राइट, यू ऑल वॉन्ट मनी। तो मनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मनी के लिए, ओके, क्लटर क्लियरिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज। देखिए मैं जिस घर में रहता हूं कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा। आप जिस घर में रहते हैं वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा। अब आप में से कितने लोगों को पैसा बहुत ज्यादा चाहिए? चाहिए, ग्रेट। तो अभी इसी वक्त एक काम करेंगे, आप में से किसी का कोई वॉलेट है तो मुझे दीजिए प्लीज एक बार। ऑलराइट, सो ये एक वॉलेट हमारे पास आया, ओके, ये एक वॉलेट हमारे पास आया है और इस एक वॉलेट को हम लोग देखते हैं। पैसा चाहिए सभी को, ऑलराइट, घर कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। रोज सुबह कपड़े कैसे धो के पहनेंगे? ऑलराइट, कपड़े धो के पहनेंगे, पैसा साफ सुथरा होगा। अब ये किसी का मेरे पास वॉलेट आया है, अब लुक एट दिस, थोड़ा सा कैमरे में जूम करें इसको, ऑलराइट, मैं नाम नहीं लूंगा किसका है, लेकिन इस वॉलेट की हालत देखिए, पैसों के घर की हालत देखिए आप, पैसों का घर, क्योंकि पॉकेट में पीछे पड़ा है ना, कोई नहीं देख रहा, तो पैसों के घर की हालत देखिए, पूरे इसके तार वार निकले हुए हैं, पूरा वॉलेट बिल्कुल मुरझाया हुआ सा है, और इस वॉलेट में पैसा तो बेचारा, एक पैसे का घर है ये, और पैसा तो बिल्कुल एक छोटे से कॉर्नर में पड़ा है, वो भी थोड़ा मुरझाया हुआ सा अलग अलग तरह से, लेकिन पैसा छोड़ के ये एक कोई बिल है, पता नहीं कब का है, क्यों पड़ा है भाई? मेरे घर में किसी और ने क्यों सेंध मार ली? ये पता नहीं कुछ और पड़ा है जो कि शायद बहुत पुराना है, काम का नहीं है, ये कोई कार्ड किसी का पड़ा है जो कि कोई काम का नहीं है। ऑलराइट, पैसों के घर में सेंध अगर मैं लगाऊं तो ये देखिए क्या क्या निकल के आ रहा है। ओहो हो हो, पैसा छोड़ के इसमें सब है। अब जब घर में अतिक्रमण हो गया है, ये देखिए घर में कितना अतिक्रमण हो गया है, घर में अतिक्रमण ही अतिक्रमण, ये सारी अतिक्रमण हो रखी है इस चीजें, कोई बिल, राइट, लुक एट दिस, ये तो कार्ड है, चलिए, और इसमें चेन भी है अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये सब चीजें मैं यहां डालता हूं जेब में,
पैसे का घर कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। ये पैसा है और ये जगह है, पैसे की जगह, फैल के सोने का सोना है ना। हमारे बिस्तर में हम कैसे सोना चाहते हैं? फैल के सोना चाहते हैं। ये फैल के सोया पैसा, ऑलराइट। ये वॉलेट आज चेंज करोगे, जिसका भी है, आज आज अभी इसको फेंक के जाओगे, ओके। ये वॉलेट डस्टबिन में जाना चाहिए, क्योंकि ये काम का नहीं है, ऑलराइट। इसमें और अतिक्रमण हो रखा है, मेरे को पता है कुछ कुछ चीज़ें और भरी हुई है। अरे कुछ पुराने नोट हैं जिनकी ऐसी दुर्दशा हो रखी है, दुर्दशा। ये देखिए, दुर्दशा, पैसे की दुर्दशा हो रखी है। बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही फैलने की जगह ही नहीं मिल रही। और जो ये वॉलेट का हाल है, वो जिंदगी का हाल हो जाता है, ये जिंदगी का हाल हो जाता है। कोई बात नहीं, इसको फैलाते हैं, इसको हम ढंग से जमाते हैं। डॉलर भी है, लेकिन डॉलर बेचारा ऐसा डॉलर सोच रहा होगा, क्यों आ गया मैं इस वॉलेट के अंदर, मैं किसी बुरा मत मानिएगा जिसका भी वॉलेट है, लेकिन ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप सभी को ये क्लटर क्लीन करना है। आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कब आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, हर रोज नुकसान हो रहा है। भाई मैं पैसा हूं, मेरी वैल्यू करो, ठीक है। ये नोट फटा हुआ है, बेचारा फट ही गया, इतना इतनी मुड़ गया इसको। अब मैं इसको तो मैं ज्यादा छेड़ूंगा नहीं तो मेरे पे इल्जाम आ जाएगा कि मैंने फाड़ दिया, ठीक है। इट हैज टू, अंदर एक और चेन है, वो भी खोल लेते हैं। उस चेन में फोटोग्राफ्स हैं, उस चेन में किसी के विजिटिंग कार्ड हैं। आय हाय हाय, अब 50% लोगों का वॉलेट ऐसा है, ये नहीं चाहिए। अभी देखिए इसमें अतिक्रमण किन किन चीजों का है, लुक एट दिस। हो सब चीजें हो सकता है काम की हो, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा वो कैजुअल हो गया आप लोगों के साथ, बट आप लिखिए सारी चीजें जो शायद, इनको हाईलाइट मत करिए है ना, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें दिख जाएगी, नाम नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, एक दो चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, वो आप रख सकते हैं जो शायद हर रोज़ आप भूल लें, लेकिन ये सब चीज़ों की वॉलेट में जगह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रखना भी है तो एक छोटा बैग अलग से रखना है, दिस इज वे इट इज। ये जिनका भी वॉलेट है उन तक वापस पहुंचा दी। और वॉलेट लेते हैं, मेरे पास दो तीन और आ गए। ये दूसरा वॉलेट है ना, इसको भी देखते हैं, इन बाकी को दो को यहां रखते हैं। क्लटर क्लीन करिए। यहाँ पैसे जमे हुए हैं, ठीक है, पैसों को फैलने की जगह मिली हुई है, बट पैसों के घर में अतिक्रमण है, किसी चीज़ का फालतू का अतिक्रमण है, जबरदस्ती का अतिक्रमण है। ये क्यों है अतिक्रमण? इसका कोई तुक नहीं है, ये अतिक्रमण को हटाना है दोस्तों, आज का आज हटाना है। ये जितने भी लोगों के कार्ड है, ये शायद 6 महीने से पड़े हुए हैं, इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ लव लेटर लिख के भी इधर पड़े हुए हैं, जिनका यहाँ पे जगह नहीं है, वो लव लेटर कहीं गर्लफ्रेंड के पास होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पड़े हैं। अच्छा क्रेडिट कार्ड तो ठीक है, लेकिन एक के ऊपर एक उनको भी थोड़ा सा संभाल के रखें, थोड़ा जमा के रखें, सबको स्पेस दें, जैसे आपको स्पेस चाहिए। पैसा भी ऊर्जा है, गुड, फिर भी ये बेटर है वॉलेट, ऑलराइट, कैन वी हैव दिस, ये बेटर वॉलेट है। इसके अलावा दूसरे और वॉलेट देखते हैं, यानी क्लटर क्लीन करें दोस्तों, समझ में आ गई बात। ये वाला वॉलेट ठीक है, लेकिन इसमें भी देखिए पूरी जगह है, लेकिन पैसा बेचारा मुरझाया हुआ पड़ा है। क्यों क्या बिगाड़ा इस पैसे ने, इतना नफरत क्यों इस पैसे से, बहुत ज्यादा नफरत है तो कमा लो, मुझे दे दो, आई एम वेरी हैप्पी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, टुगेदर वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, टुगेदर वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बदल दीजिए इस वॉलेट को, मुरझा गया, इसकी लाइफ खत्म हो गई है इस घर की, अब बदल दीजिए, ये थोड़ा बेटर वॉलेट है, लेकिन इसमें भी हल्का फुल्का अतिक्रमण है, हटाइए, क्लटर क्लीन करिए। एटलीस्ट महीने में एक बार अपने वॉलेट को क्लीन कीजिए, पैसों का घर है मेरे भाई। आप कहोगे बीएसआर सर, ये छोटी सी चीज करने से पैसा आने लग गया मेरे पास, दोस्तों आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करना है मनी के लिए? क्लीन योर स्पेस, क्लीन योर वॉलेट, मनी का प्रॉपर अकाउंटिंग रखेंगे, ओके? अगर आप नहीं रख सकते तो किसी को बिठाएंगे जो अकाउंटिंग रख सके, बिकॉज मनी लव्स रिस्पेक्ट। मनी क्या है? एनर्जी है। मनी को ब्लेस करें रोज, ऑलराइट, रोज 10 रुपए भी अकाउंट में है, हाथ में है, उनको रोज एनर्जी दें और उन्हें थैंक यू बोलें, आई लव मनी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, रियली अप्रिशिएट। मेरे पास 10 रुपए तो है, मेरे पास 100 रुपए तो है, मेरे पास 1000 रुपए तो है, मेरे पास 5000, मैजिक देखिए, मैजिक होने लग जाएगा, मिराकल होने लग जाएगा। एक अच्छा वॉलेट रखें, और एक बोनस टिप दे रहा हूं, बढ़िया नीट क्लीन वॉलेट ले, पैसों का कलर ग्रीन है,
तो ग्रीन कलर का वॉलेट ले सकते हैं, ब्राउन कलर का वॉलेट ले सकते हैं, ब्लैक कलर का वॉलेट अवॉइड कर सकते हैं। मेरा वॉलेट जैसे ग्रीन कलर का है, आई अफोर्ड टू कीप ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का वॉलेट रख सकते हैं या फिर ब्राउन कलर का वॉलेट रख सकते हैं। इन दोनों कलर्स में से कोई कलर रखें, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें और कोशिश करें जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके 11,000 रुपये कम से कम अपने वॉलेट में हमेशा रखें। कितना? जिनको जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम पैसों की, वो तो कंपलसरी आपको 11,000 रुपये रखना है, 11,000 रुपीज आपके वॉलेट में होना चाहिए। उस पैसे को खर्च नहीं करना है, उस पैसे को तो मिनिमम बैलेंस हो गया वो आपके अकाउंट का, कि भाई ऐसा समझ लीजिए कि उतना पैसा कम होते ही, उससे कम होते ही पैसा समझ लो, जैसे बैंक कहता है ना मिनिमम बैलेंस अकाउंट है पेनल्टी लग जाएगी, तो ये समझ लो कि पेनल्टी लग जाएगी उससे कम होते ही, तो उतना पैसा आप अपने वॉलेट में रख दें हमेशा के लिए। आप कहोगे क्या बात कहें, उससे क्या होगा? उससे ये होगा दोस्तों, आपके माइंड में जब भी विचार आएगा मेरे पास पैसा नहीं है, आपका माइंड कहेगा कैसे नहीं है, वॉलेट में है। सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता करोड़ कितना होता है, लाख कितना होता है, ज़्यादा कितना होता है, कम कितना होता है। आप अपने वॉलेट में 11,000 रुपीज़ हर रोज़ रखें। जैसे ही आप रखोगे वो माइंड को हमेशा लगेगा यार मेरे पास पैसा है, आपके माइंड में थॉट आएगा पैसा नहीं है, आपका माइंड कहेगा कैसे नहीं है यार, वॉलेट में पैसा पड़ा तो है, वॉलेट में पैसा तो पड़ा तो है, फैल के पड़ा है, और उसको समझ में नहीं आता करोड़ क्या है, 10 करोड़ क्या है, 100 करोड़ क्या है, उसको तो एक ही चीज समझ में आती है पैसा है भैया ज्यादा है, मेरे वॉलेट में है, मेरा वॉलेट भरा हुआ है और मेरे वॉलेट में 500 का नोट है। हमेशा 11,000 के आसपास रखें, कभी कम हो जाए फिल कर दें, कभी कम हो जाए फिर फिल कर दें, कभी कम हो जाए फिर फिल कर दें। दोस्तों हमेशा वॉलेट में कैश रहे, जितना ज्यादा आपके वॉलेट, आप देखोगे मिरेकल होगा, पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को, आपको इधर इतना पैसा ही नहीं है रखें, फाइंड आउट अ वे, सिर्फ एक महीना रख के देखें, आपका सोच बड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि पैसा कितना बढ़ सकेगा, लेकिन सोच बड़ा हो जाएगा, एक्शन बड़े हो जाएंगे। 2017-18 में मेरी जिंदगी में जब बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, 17-18 से लेकर कंजेकेटिवली 2-3 साल ऐसा समय नहीं आया होगा कि मैंने अपने वॉलेट में पैसा नहीं रखा। हाँ डेफिनेटली आजकल हमारा पेटीएम और क्रेडिट कार्ड वगैरह के कारण कई बार नहीं लगता, जैसे ही अवेयरनेस फिर से आ जाए, ओके कभी खाली भी हो गया तो ऐसा लोड नहीं लेना, अरे वॉलेट खाली हो गया अब क्या करें, ओके जैसे ही खाली हो जाए 2 दिन बाद अवेयरनेस आ गई फिर भर दे, 3 दिन बाद अवेयरनेस आई फिर 11,000 रुपये इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए 11 नहीं पॉसिबल है, 5,100 राइट, वहां से तो शुरू करें, लेकिन कीप मनी इन योर वॉलेट ऑल द टाइम। वेल दोस्तों, सो आई एम श्योर ये दोनों पावरफुल बोनस टिप्स आप सभी को बहुत हेल्प करेंगे, बहुत जबरदस्त एनर्जी लाएंगे आपकी जिंदगी में।